हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। रुड़की विधानसभा में आज श्री दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारियों व काफी संख्या में जैन समाज के लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल राणा को विधानसभा चुनाव में अपने समाज की ओर से समर्थन दिया। बता दें, जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वहीं रुड़की विधानसभा से जहां एक और भाजपा के निवर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस से पूर्व मेयर रहे यशपाल राणा प्रत्याशी हैं, जो उन्हें चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारी संख्या में जैन समाज के लोगों ने जैन धर्मशाला में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा को अपना समर्थन दिया। ये जैन धर्मशाला में पवित्र धरती है और जैन समाज ने मुझे इस धरती पे अपनी धर्मशाला में बुला के समर्थन दिया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और देखिए, इस जन्म में तो मैं इनका कर्जा नहीं उतार सकता। अगला जन्म अगर मुझे मिला और सही सलामत मुझे याद रहा तो मैं जैन समाज का ये कर्ज जरूर उतारूँ। देखिए, आप प्रदीप बत्रा से ये पूछिए कौन सी जगह वो डिबेट करे, चाहे वो कोतवाली में बैठकर डिबेट करे और चाहे वो चंद्रशेखर चौक पे आके चंद्रशेखर के मूर्ति के चरणों में बैठकर डिबेट करें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। डिबेट के लिए बोले 14 तारीख के बाद डिबेट करेंगे। देखिए, 14 तारीख के बाद तो चुनाव खत्म है। इसका मतलब उन्होंने स्वयं मान लिया ना कि मैं भ्रष्ट हूँ। उन्होंने स्वयं मान लिया और मैं भी गंगा जल लें और मैं भी गंगा जल लूँ। और देखिए, जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, माने चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में बैठ के लोटे में गंगा जल लेके वहाँ बैठ के मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। अगर उन्हें किसी भय डर का खतरा है तो मैं सिविल लाइन कोतवाली में बैठ कर डिबेट करने के लिए उनसे तैयार हूँ। कितने लोगों द्वारा समर्थन दिया गया है? सर, समाज के द्वारा अपने रुड़की शहर के भविष्य को देखते हुए एक ईमानदार, कर्मठ और दबंग प्रत्याशी को समर्थन देने का निश्चय किया है, ताकि रुड़की नगर पालिका में या शहर में जो हमारे कार्य नहीं हो रहे थे, तो ये अपने हमारी आवाज़ असेंबली में उठा सकें और हमारे काम करा सकें। रुड़की शहर की सड़कों का आपने हाल देखा है। हाईवे भले ही BJP ने अच्छे बना दिए हों, लेकिन रुड़की शहर में नगर पालिका से रामपुर की चुनकी तक आप देख लो, अगर आप सही सलामत पहुँच जाए। 2 बार के विधायक प्रदीप बत्रा है, कैसा कार्यकाल देखते हैं? मैं बता रहा ना, आप कार्यकाल तो दिखाई दे रहा आपको, कार्यकाल तो आप देख लो, उसके घर के बाहर ही देख लो, बरसात 1 घंटे बारिश हो जा, घुटते घुटते पानी हो जाओ उसके घर के सामने, उधर को घूम के आना पड़ेगा SDM के चौराहे पे को। तो क्या मानते हैं, इस बार परिवर्तन होगा रहेगा? बिल्कुल होना चाहिए, अगर जनता चाहेगी होगा परिवर्तन। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।